बोल तोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा और हमारे साथ है इंडिया निवेश कमोडिटीज के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी, आपने कहा था कि सोयाबीन अमेरिका और चाइना की वार्ता पर काफी कुछ निर्भर करेगा और उस समय मंदी थी। आज सोयाबीन ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, तो क्या वजह है कि सोयाबीन वापस मजबूत होता दिखा? सोयाबीन में जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का जो ट्वीट आया था संडे को कि वो चाइना के जो $200 बिलियन के इंपोर्ट के ऊपर जो टैरिफ है वो 10% से बढ़ा के 25% कर सकते हैं जी। तो हमने एनिक ओपनिंग जो है सोमवार की शुरुआत में देखी थी और कीमतें एक बार जो 3580 का अहम लेवल था सोयाबीन का NCDEX पे, उसके नीचे जो है मार्केट की शुरुआत हुई थी और लगभग 3350 के आसपास जो है मार्केट फिसल गया था जी। लेकिन वो भाव सस्टेन नहीं हुए, जैसा कि हम बोल रहे थे 3580 का इस पर अहम होगा और जो क्लोजिंग है मंडे की वो 3580 के ऊपर आई थी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि दो दिनों से जो है ग्रेजुअली थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही थी और आज जो बढ़त है वो काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है और कीमतें लगभग 3700 के स्तर के आसपास जो है बंद हुई है जी। इसमें मुख्य चीज ये देखने में आई है कि जो चाइना का इम्पोर्ट है अप्रैल महीने का वो गत वर्ष की तुलना में वहां पे अप्रत्याशित रूप से लगभग 10% की वृद्धि देखने को मिली है। उसके पीछे मुख्य कारण एक ये है कि चाइना ने जो वेट है वो अप्रैल मंथ से घटाया है तो उसकी वजह से जो मार्च के जो शिपमेंट थे चाइना के वो डेफर हुए थे अप्रैल के ऊपर, इसलिए अप्रैल में जो अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड को लेके जो डिस्प्यूट है अगर वो कंटिन्यू होता है तो फिर हो सकता है कि मई या उसके बाद के जो इम्पोर्ट के आंकड़े वहां पे फिर से गिरावट देखने को मिले। तो अभी यहां पे एक इन्वेस्टर को आप क्या राय देंगे कि सोयाबीन वायदा में वो क्या रणनीति लेकर के चले ताकि उसे कम गिरावट की स्थिति में लॉस न हो अधिक? अभी मेरा मानना है कि ऐसे ट्रेडर जिन्होंने निचले स्तरों पर 3580 से 3600 के रेंजेस में खरीदारी करी है तो उनको 3700 से 3750 के स्तरों के बीच में एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो अमेरिका और चाइना के ट्रेड को लेके काफी अनिश्चितता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है बराबर प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो बैलेंस शीट है ऑयल कॉम्प्लेक्स की वर्ल्ड वाइड वो काफी अच्छी है जी। तो अभी भी कोई ऐसी बड़ी बढ़त की गुंजाइश ऑयल कॉम्प्लेक्स में बनती हुई नहीं दिख रही, स्पेशली सोयाबीन। तो मेरा मानना है कि 3750 का स्तर एक अहम स्तर होगा और उस स्तर के आसपास एक बार जो भी ट्रेडर है जिनने निचले स्तरों पर खरीदारी करी उनको एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए और एक बार जो है वेट करना चाहिए नई पोजीशन के लिए जी। धन्यवाद मनोज जी।